अवकलन का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा और अभिलंब कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें, सभी छात्र टू डायमेंशनल में आपने स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ा होगा। स्पर्श रेखा का यह सभी पढ़ा है जिसमें एम को हम प्रवणता बोलते हैं। एम क्या कहलाते हैं यहां पर? प्रवणता। इसका मान टेन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चूंकि यहां डेरिवेटिव के रूप में यूज कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में प्रवणता एम टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? डीवाई बाय डी एक्स। यदि हम डीवाई बाय डी एक्स फाइंड कर लेते हैं तो वह उसकी प्रवणता होगी। इसको हम स्पर्श रेखा भी कहते हैं। और अभिलंब, अभिलंब जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो इसका मान यह आएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, यहां पर देखेंगे कि अभिलंब की प्रवणता का मान यहां पर है आपका माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स और स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। कुछ यहां पर कंडीशन दी है उसको देख लीजिए। यदि टेन थीटा का मान जीरो है इसका मतलब होता है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है और स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वाई इक्वल टू वाई जीरो। और यदि टेन थीटा इन्फिनिटी है तो इसका मतलब होता है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब है और उस केस में स्पर्श रेखा का समीकरण होगा एक्स इक्वल टू एक्स जीरो। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो यहां पर y इक्वल टू दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो प्रवणता m इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीवाई बाय डी एक्स। डीवाई बाय डी एक्स फाइंड करो कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12 एक्स की पावर 3 माइनस 4। अब हमको इस प्रवणता का मान x इक्वल टू x की वैल्यू 4 पर फाइंड करना है। तो हम x की वैल्यू 4 रख देंगे। यहां हो जाएगा 12 4 की पावर 3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 12 4 × 4 = 16 16 × 4 = 64 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 × 4 = 48 रिमेनिंग 4। कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 6 4। यह आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए एक काम करेंगे, डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? 3a sin² θ इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा 3a
कॉस इसका थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो थ्री ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर से कैंसिल हुआ, साइन थीटा का स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हमको चाहिए अभिलंब की प्रवणता, इसका मान कितना होता है माइनस वन अपॉन डीवाई बाय डी एक्स, तो यहां पर माइनस वन और डीवाई बाय डी एक्स है माइनस टेन थीटा, तो यह आ जाएगा आपका कॉट थीटा, यह आपका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको एक्स स्पर्श एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा हो तो हमको बिंदु ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। क्लियर, हम जानते हैं कि x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है जीरो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि dy बाय dx भी जीरो होगा, तो यहां आपको देखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप थ्री कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो। प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू आपका थ्री आ जाए। क्लियर, x का मान या तो थ्री होगा या x इक्वल टू माइनस वन होगा, तो हम x इक्वल टू थ्री लेके चलते हैं, तो y का मान कितना होगा थ्री थ्री की पावर, यहां आ जाएगा थ्री की पावर क्यूब माइनस थ्री थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इंटू थ्री प्लस सेवन, इसको सिंपल कर लो, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस 27 और ये हो जाएगा आपका माइनस 27 प्लस 7, तो ये माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 20। तो हमको स्पर्श बिंदु का मान जो है का मान हो जाएगा, यदि x का मान हम 3 लेते हैं, x का मान कितना लिया 3, तो y का मान माइनस 20, और इसी प्रकार हम x इक्वल टू यदि माइनस वन लेते हैं तो y का मान कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर वन रख के देख लीजिए कितना हो जाएगा y बराबर माइनस वन की पावर क्यू माइनस थ्री माइनस वन की पावर होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन प्लस सेवन।
तो यह देखते हैं हम माइनस वन और ये माइनस थ्री प्लस नाइन और प्लस सेवन कितना हो जाएगा आपका माइनस फोर और प्लस सिक्सटीन ट्वेल्व। तो इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व। तो आपको ये दो बिंदु ऐसे जो स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।